نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Am I audible? बच्चों आप लोगों को आवाज सुनाई आ रही है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा हम आज है ना पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई आपके टीचर कराएंगे, हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएं कि व्हाट इज सीरा, सीरा किसे कहा जाता है? जस्ट रेज योर हैंड, जल्दी जल्दी हैंड रेज करें। आप लोगों को अगर सवाल का जवाब आता है ना तो फिर जल्दी जल्दी से हैंड रेज करें। सीरा किसे कहते हैं, सीरत किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता सीरत किसे कहते हैं? हाँ कहें अदीबा, आप कुछ कह रहे थे, कहें अदीबा। सीरत मैम, सीरत कैरेक्टर, सीरत किसे? हाँ हाँ कहें। पर्सनालिटी ऑफ मैन इज नोन एज सीरत। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। किसी की भी पर्सनालिटी यानी किसी की बायोग्राफी, किसी की जिंदगी, उसको सीरत कहा जाता है, राइट? माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा लेकिन हम जो है किसकी पर्सनालिटी पढ़ने वाले हैं, सीरत में हम किसकी पर्सनालिटी पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है तो देखिए जनरली ना सीरा का मतलब होता है किसी की भी पर्सनालिटी, ठीक है, यानी किसी की भी लाइफ हिस्ट्री, किसी के बारे में जानना, हम जिसको बायोग्राफी कहते हैं उसे सीरा कहा जाता है। ठीक है, अरेबिक में उसे सीरा कहा जाता है, इंग्लिश में उसको बायोग्राफी कहा जाता है। लेकिन ये जो सीरा वर्ड है ना इतना ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ इस्तेमाल हुआ है कि सारी सीरत है, मतलब सीरत तो एक्चुअली में बायोग्राफी है ना, लेकिन जब भी आप सीरा कहेंगे तो देखिए आप गूगल पे भी सीरा टाइप करते हैं तो किसके बारे में आता है, सबसे पहले किसके बारे में आ जाता है, किसकी पर्सनालिटी के बारे में आता है जो भी इन्फो आती है? नबी सल्लल्लाहु, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के बारे में सारा कुछ आ जाता है ना, तो वो सीरा में आ जाता है। नाउ टेल मी, हमने सीरा क्यों पढ़नी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्यों पढ़नी है, हम क्यों जाने उनके बारे में? हम किसी की लाइफ हिस्ट्री तो नहीं पढ़ते, हम हमारे पास अपने ही इतने काम है, हम अपनी जिंदगियों में इतने सारे काम होते हैं, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को क्यों पढ़े, व्हाट इज द रीजन, क्यों पढ़ना चाहिए हमें, बताएगा कोई? टू फॉलो हिम, टू फॉलो हिम, बारकल्लाहु। और क्यों पढ़े, और क्या रीजन हो सकते हैं, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हाँ जी, बस फॉलो करने के लिए, टू बिकम अ गुड पर्सन लाइक हिम। हाँ बारकल्लाहु फीकुम, टू बिकम अ गुड पर्सन लाइक हिम, यानी कि उन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत बनने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पर्सनालिटी बनाने के लिए। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पर्सनालिटी बननी है, और किसी जैसा क्यों नहीं बनना है, और क्यों हमने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट है और अल्लाह ताला ने हमें कहा कि उसे हमें उन्हें फॉलो करना। हाँ क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु ताला ने फरमाया कि हम उन्हें फॉलो करें क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट हैं, हम दूसरे प्रॉफिट्स को नहीं फॉलो करें फिर? हाँ नबियों के सर, नहीं, अल्लाह ने कहा है कि जो जिस टाइम पे आप आए हैं और उस टाइम पे जो नबी अभी मतलब मौजूद हुए, अभी जो मतलब लास्ट नबी है अभी जब आप है तो उनको फॉलो करना है, उनके बाद अगर जो भी नबी आएंगे तो आपको उनको फॉलो करना, उनको ही फॉलो करना। जो नबी आएंगे उनके पीछे वाले नबी को भूल जाना है, उनसे पहले वाले हाँ। जो नबी थे भूल जाना, इन द सेंस कि उनकी टीचिंग्स हम नहीं फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, है ना? जैसे अभी मूसा अलैहि सलाम है तो हम उनको भूल जाएं क्या?
मतलब उनकी टीचिंग्स हम फॉलो नहीं करेंगे, टीचिंग्स हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया हम वो फॉलो करेंगे, लेकिन मानेंगे क्या नहीं आप, हम सब मूसा अलैहि सलाम को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते 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 हम उनके टीचिंग्स को नहीं मानते। हाँ ईसा अलैहि सलाम बारकल्लाहु फीकुम, यानी कि हम लोग सारे नबियों को मानते लेकिन जो अल्लाह ताला ने बोला है कि सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतों को भी ही फॉलो करना। क्योंकि सुन्नत हमने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलो करना है। चले द ब्यूटीफुल वर्ड, व्हाट इज सुन्ना? सुन्नत किसे कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रेगुलरली करते हैं, जो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते हैं उसे सुन्नत कहते हैं। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। हाँ देखिए सुन्नत पता है किसे कहा जाता है? सुन्ना सुन्ना कहा जाता है किसी भी तरीके को, ठीक है, तरीके को सुन्नत कहा जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि ये इनकी सुन्नत है, जैसे हम कहें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत इज द वे, मतलब वो इस तरीके को फॉलो करते थे, वो इस तरीके को फॉलो करते थे। सुन्नत सुन्नत का मतलब होता है तरीका या वे, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी चीजें फॉलो की, जो कहा, जो मतलब जिस तरह से जिंदगी गुजारी, उसको कहा जाएगा सुन्ना, है ना? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुन्ना कहा जाता है। अच्छा तो हमने यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को फॉलो करना है, लेकिन हमने सारे नबियों को मानना है, क्योंकि अगर हम एक भी नबी को ना माने तो फिर हम, क्योंकि देखिये क्रिश्चियंस लोग, क्रिश्चियन लोग किसको नहीं मानते हैं? क्रिश्चियन लोग सारे नबियों को मानते हैं कि नहीं मानते? टेल मी। और व्हाट अबाउट ज्यूज, यहूदी जो होते हैं? सारे खाली ईसा अलैहि सलाम को मानते हैं। और ज्यूस ज्यूस जो होते हैं, यहूदी जो होते हैं, वो किसको मानते हैं? हजरत अली को मानते हैं। हाँ हजरत अली नबी थोड़ी हैं। ज्यूस ज्यूस यहूदी जिनको कहा जाता है वो किसको मानते हैं? मूसा अलैहि सलाम। मूसा अलैहि सलाम को मानते हैं। अच्छा आई टेल यू वन थिंग, कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं ना, तो वो सिर्फ ईसा अलैहि सलाम को नहीं मानते, जितने पिछले प्रॉफिट्स गुजर गए ना सबको मानते हैं। अच्छा ज्यूज, व्हाट अबाउट ज्यूज? ज्यूज सिर्फ मूसा अलैहि सलाम को नहीं मानते, क्योंकि मोहम्मद सलाम को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स हुए थे इब्राहिम अलैहि सलाम के बाद, वो सब इब्राहिम अलैहि सलाम के ऑफस्प्रिंग्स थे। तो जब मोहम्मद सलाम नहीं थे तो सब लोग कहते थे कि तुम नहीं हो, तुम उनके ऑफस्प्रिंग्स में तो नहीं हो, तो कम लोग मानते थे। हाँ तो देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर ले, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन लोग जो भी ईसा अलैहि सलाम से पहले नबी आए उनको मानते हैं। हाँ वेरी गुड माशाल्लाह, ईसा अलैहि सलाम से पहले और ईसा अलैहि सलाम प्लस ईसा अलैहि सलाम को पिछले जितने भी नबी आए, आदम अलैहि सलाम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक जितने भी नबी आए ना, वो क्रिश्चियन लोग उनको मानते हैं। सिर्फ किसका इनकार करते हैं जो क्रिश्चियंस हैं? कौन से नबी का इनकार करते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें अभी ये कॉन्सेप्ट देखें कि अगर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया तो क्या वो मुसलमान रह गए? नहीं नहीं रहे। तो इसी तरह जिस तरह से वो लोग मुसलमान नहीं रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने से, तो क्या हम अगर मूसा अलैहि सलाम का इनकार कर देंगे तो हम मुसलमान रह जाएंगे? नहीं। वी हैव टू, वी मस्ट फॉलो ऑल द, मतलब हमें सारे नबियों को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? हम अपने इस्लाम के दायरे से निकल जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। फिर हम जैसे क्रिश्चियन हो गए, जैसे यहूदी बन गए, तो हमारा भी कोई और नाम पड़ जाएगा, है ना? बाकी सब मुसलमान कौन है? जितने भी लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने हैं टोटल, किसी को पता है? 1 लाख कुछ है। 1,24,000। हाँ देखें 1,24,000 कमोबेश कहा जाता है, इसके अराउंड होंगे 1,24,000 यानी 1,24,000 नबी अराउंड गुजर चुके। अच्छा अब ना किसी को फिक्स नंबर नहीं पता है ना? हाँ फिक्स नंबर नहीं पता है, तो ये कमोबेश है। कमोबेश यानी कम भी हो सकते हैं इससे थोड़े से और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही
मतलब अगर देखा जाएगा तो इसी के आसपास होंगे, 1,24,000 1,24,000 के करीब नबी होंगे। अच्छा टेल मी, सारे नबी जब आए तो उनका क्या काम था, क्यों आए थे सारे नबी, नबियों को भेजने की जरूरत क्यों पड़ी, हम सब भी आ रहे थे अल्लाह ताला की तरफ गाइड करने को, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला के पाथ पे लाने के, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एस्ट्रे चले गए थे। हाँ, सारे प्रॉफिट इसलिए आए थे क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था कि ईमान क्या होता है और ये सब चीजें क्या है, तो नबी लोग इसलिए आए थे सिखाने के लिए, बताने के लिए कि अल्लाह कौन है और ईमान क्या है। बारकल्लाहु फीकुम, माशाल्लाह। और कोई एड ऑन करना चाहेगा इस पे, और क्या बात हुई, और क्यों आए थे नबी, क्यों आते हैं, क्या काम होता है उनका, क्यों भेजे जाते हैं नबी, व्हाट इज द रीजन, और कुछ कहें कहें। हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ सही कोई कह रहा है ना बच्चों, आप आपकी आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो आप सारा, आप कह रहे हो चले। देखिए पता है नबी क्यों आते हैं, जब भी आदम अलैहि सलाम आए, आदम अलैहि सलाम के बाद कौन से नबी आए, किसी को पता है, आदम अलैहि सलाम के फौरन बाद कौन से नबी आए थे, नूह अलैहि सलाम, नूह अलैहि सलाम आए थे, और उस मतलब आदम अलैहि सलाम और नूह अलैहि सलाम के बीच में कोई भी नबी नहीं थे, इब्राहिम अलैहि सलाम आए थे, इब्राहिम अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम तो नूह अलैहि सलाम के बाद आए हैं, ठीक है तो याद रखें। अच्छा एक और एक चीज और हम आपसे पूछते हैं, आदम सानी किसको कहा जाता है, सेकेंड आदम किसको कहा जाता है, किसको, अभी आप लोगों ने जवाब दिया था, इब्राहिम और नूह अलैहि सलाम, नूह अलैहि सलाम को पता है क्यों कहा जाता है आदम सानी, सेकंड आदम, हाँ क्योंकि आपको पता है नूह अलैहि सलाम के टाइम पर क्या हुआ था, कैसे अजाब दिया गया था, सारे हाँ जी फ्लड, फ्लड आ गया था, और फ्लड के साथ साथ आया था, और ऊपर से बारिश और नीचे से फ्लड और चारों तरफ से पानी पानी, और सारे लोग क्या कर दिए गए, सारे लोग खत्म कर दिए गए, सारों को फना कर दिया गया, तो दोबारा से लोग खत्म हो गए थे, लेकिन जो नबी के बाहर सुने थे थोड़े लोग, और जो भी मींस ह्यूमन ह्यूमन को छोड़ के जो भी एनिमल्स बर्ड्स वगैरह थे वो सब बच गए थे, क्योंकि उनको कुछ मतलब ह्यूमन को छोड़ के उनको कुछ मतलब ये नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने भी मतलब नबी नूह अलैहि सलाम की बात मान ली थी, यानी कि नूह अलैहि सलाम कौन सा मैसेज लेकर आए थे, कि देयर इज वन अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला एक है, उसी ने सब कुछ बनाया है, आपको भी हमको भी और तुम सबको भी और मुझे भी नबी बनाया, तो मेरे रब ने बनाया, अल्लाह सुभान व तआला ने हम सबको बनाया है, तो लेकिन मैम फिर वो लोग कहते थे कि तुम हमारे हम में से ही हो, तुम स्पेशल कैसे हो सकते हो, सबने हाँ सबने देखे हर नबी से लोगों ने यही बात कही ना कि आप हम जैसे कि आप हम जैसे तो कैसे मतलब ऐसे बहुत सारे नबी लोग को भी कहा कि तुम लोग प्रूफ करके दिखाओ कि तुम लोग प्रॉफिट कैसे हो, फिर हम ईमान हाँ। लाएंगे, लेकिन उनके प्रूफ करने के बाद भी वो ईमान लाते नहीं थे। हाँ क्योंकि ना वो लोग क्या करते थे ना, सबसे मिरेकल कहते थे, है ना, हमें मौजजा देखना है, इजाज मांगते थे, कोई ना कोई मौजजा चाहिए हमें, कोई ना कोई मिरेकल हो जिससे प्रूफ हो जाए कि आप अल्लाह के नबी हो, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ने देखे जिन ये जो मौजजात थे ना, ये जो मिरेकल जिसको कहा जाता है, ये सारे नबियों को दिया, हर नबी को उस जमाने का जैसा भी वो मतलब जो चीज पीक पर थी, जो चीज बहुत ज्यादा मतलब उस जमाने में थी, उस हिसाब से सबको मौजजे दिए, लेकिन क्या होता था ना कि जिनको ईमान लाना होता था ना, वो बगैर मौजजे के भी ईमान ले आते थे, हम ले आए हैं बगैर मौजजे के ईमान, हम सब ईमान लाए हैं जी, हमने कोई मौजजा देखा है मैम, ये नहीं, कौन सा मौजजा है? कौन सा मिरेकल देखा है आपने, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन हम ईमान लाए ना, हम सब ईमान ले आए हैं ना, मैम जो भी कुरान में लिखा है वो अब हो रहा है, हाँ, ये बहुत बड़ा पूरा दैट इज द बिगेस्ट मिरेकल, यानी अल्लाह सुभान व तआला ने जो कुरान करीम दिया है ना हमें,
ये तो हर टाइम का मौजूदा, ये कभी ना खत्म होने वाला है, इट्स टाइमलेस, कभी भी नहीं। मतलब ये कुरान देखे जिस तरह से 1400 इयर्स अगो जैसे एप्लीकेबल था, जिस तरह से वो अप्लाई हो रहा था, आज के दौर में भी ऐसे ही अप्लाई होगा, कयामत तक ऐसे ही अप्लाई होता रहेगा। ये सबसे खूबसूरत बात है इस कुरान की, और ये कुरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजजा दिया गया था, जिसकी वजह से देखें अभी नबुवत का दौर खत्म हो गया ना। वट इज अच्छा नबी, मतलब अब कोई नबी आएंगे? आप लोगों को पता है कोई नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन से नबी आएंगे? नबी तो नहीं आएंगे, कोई तो नबी है जिनको अल्लाह ने उठा लिया था, तो ईसा अलैहिस्सलाम वो आम नबी बनकर आएंगे, मतलब आम इंसान बनकर आएंगे। तो देखें अभी जो आप लोगों ने बात की ना, कयामत से पहले कभी आएंगे। हाँ, कयामत से पहले आएंगे, बिल्कुल। कयामत की निशानी में से एक निशानी है कि ईसा अलैहि सलाम जो होंगे, जब कयामत आने वाली होगी ना, बहुत करीब हो चुकी होगी, तब ईसा अलैहि सलाम दोबारा से आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि अभी तक ईसा अलैहि सलाम की जिंदगी जो दुनिया पर है ना, वो मुकम्मल नहीं हुई थी, और अलग वो मरे नहीं थे एक्चुअली, उनको किसी इंसान से स्विच कर दिया गया था, उनका हमशक्ल भेजा गया था नीचे। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह आप लोगों को तो बहुत नॉलेज है, अल्लाह सुभान व तआला सबके इल्म में इजाफा अता फरमाए, अमल में इजाफा अता फरमाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ऐसे नबी थे जिन जो देखें हर किसी को अल्लाह सुभान व तआला ने एक टाइम पीरियड के लिए पैदा किया है। से फॉर एग्जांपल कोई 63 इयर्स रहता है, कोई 100, कोई 200 साल जीता है, कोई 900 साल जी रहा है, कोई 50 साल जी रहा है ना। तो सबको एक अल्लाह सुभान व तआला ने एक उम्र लेकर भेजा हुआ है ना, और जब तक वो उम्र मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक वो अल्लाह के पास नहीं जाएगा। लेकिन ईसा अलैहि सलाम का मामला ऐसा नहीं हुआ, उनके जितनी अल्लाह सुबहानहु तआला ने उमर लिखी हुई थी उससे पहले ही लोगों ने उनके खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी, उनके खिलाफ बहुत सारी चाले चलने लगे कि हम ईसा अलैहि सलाम को कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह ने भी क्या किया, एक प्लान किया, बहुत अच्छी सी तदबीर की, और क्या किया कि एक 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 शख्स लिया और उसको क्या बना दिया, ईसा अलैहि सलाम की शक्ल का बना दिया, और लोगों ने उनको क्या कर दिया, स्ट्रैंगल कर दिया, उनको ही सूली पर चढ़ा दिया, लोग समझते रहे हमने ईसा अलैहि सलाम को क्या कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया, उनको कत्ल कर दिया, और ईसा अलैहि सलाम जो थे ऊपर चले गए थे अल्लाह के पास। अब जब आखिरी वक्त आएगा ना, तो उसमें ईसा अलैहि सलाम दोबारा से आएंगे, लेकिन अब की बार जब आएंगे ईसा अलैहि सलाम तो कोई बाइबल लेकर नहीं आएंगे। अब कौन सी टीचिंग्स फॉलो करेंगे, वो जिसकी टीचिंग की टीचिंग्स फॉलो करेंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, जो रिवेलेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है, उसी को वो कन्वे करेंगे। और यानी फिर वो क्या बन के आने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उम्मती बनकर आएंगे, उम्मती वो हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बनकर आएंगे। हाँ, नबी होंगे लेकिन टीचिंग किसकी टीच करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे कौन सा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ाया है वही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे वो थी सीरत, हम क्यों सीरत पढ़ते हैं, क्यों हमने पढ़ना जरूरी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। जी जी कहें, हम जो वो नीचे आएंगे हमें सलाम हमें उनको बताएंगे, वो हमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा ना। जो सवाल कर रहा है बस वो माइक अनम्यूट करें, बाकी सब बंद करें। अब आप सवाल करें। हाँ कहें, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिया जा रहा था, ताकि हमें पता चले कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कैसी थी और हम उस पर अमल करें। जब ईसा अलैहिस्सलाम नीचे आएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा ना उनका, डिफरेंस नहीं पता चलेगा इन द सेंस जैसे वो हमारी तरह ही होंगे ना नॉर्मल, वो अलग से नहीं दिखते होंगे। हाँ, वो अलग नहीं होंगे कुछ। जितने भी नबी थे वो सारे बशर थे ना, मतलब वो इंसानों ही की तरह दिखते थे, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने उनको स्पेशल मिराद दी थी, स्पेशल पावर्स दिए थे, पावर। क्वालिटीज दी थी। अच्छा, हैंड रेस करें, किसने सवाल करना है, जल्दी से हैंड रेस करें। कौन सवाल कर रहा था, क्योंकि दो माइक्स ऑन हो जाते हैं ना तो पूरा मैसी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता हमें। हाँ जी कहें खदीजा, आप माइक अनम्यूट करके कहें। हमें वो पता नहीं चलेगा नबी है
पता चलेगा, देखिए क्यों पता चलेगा ना, क्योंकि वैसे नहीं पता चलेगा, क्या आपको देख के ही पता चल जाए? कैसे पता चलेगा कि जो अल्लाह सुभान व तआला ने उनको काम हैंड ओवर किए हैं आखिरी दौर में आने के बाद, वो किस किसका कत्ल करेंगे, किसको खत्म करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम ही होंगे जो कि वो व्हाट इट इज कॉल्ड दज्जाल को खत्म करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के ही हाथों उसका खात्मा होना है। दज्जाल यू ऑल नो, दज्जाल कौन है? मुझे पता है, यस वो शैतान, एक हाथ में हेलमेट पकड़ के आएगा और एक हाथ में हेवन आएगा। वो बोलेगा कि एक हाथ में उसके हेल होगा, एक हाथ में उसके फायर होगा कि ये जन्नत है और ये जन्नत। हाँ, लेकिन वो उल्टा होता है, जो हेल होगा वो जन्नत होगा और जो जहन्नम होगा वो हेल होगा, जो जहन्नम होगा। बिल्कुल, यानी कि समझ लें कि शैतान तो एक शैतान है ही, लेकिन समझ लें हम कहते हैं ना शैतान सरदार, हम कहते हैं ना शैतानों के सरदार, सरदार मतलब क्या, बिल्कुल हेड। तो ये सबसे बड़ा शैतान है जो कि आने वाला है लास्ट टाइम में, और ये क्या करेगा, पूरी दुनिया में अपनी शैतानियत फैलाने की कोशिश करेगा। हर किसी को चाहेगा कि वो जैसे वो खुद शैतान है ना, सारे लोग ऐसे ही शैतानी अमल करना शुरू कर दें, हर कोई हर किसी को चाहेगा कि वो गलत काम करना शुरू कर दें। जी मैम, वो वही शैतान होगा क्या जिसने अल्लाह को आदम अलैहि सलाम को सजदा करने से मना कर दिया था? हाँ, समझ लें कि उसका भी सरदार है वो, जिसने अल्लाह को सजदा करने से मना कर दिया था, उसका उसको क्या कहा जाता है, इबलीस कहा जाता है ना, इबलीस। और ये दज्जाल, ये दज्जाल समझ लें उसका भी सरदार है, ये उसका भी हेड है, समझ लें कि ये अगर वो अगर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो ये तो सीईओ है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समझ लें आप इसको। तो ये इतना बड़ा है, मतलब समझ लें अगर एक ऑफिस में सबसे बड़ा जो मेन हेड होता है ना, तो शैतानों के हेड का हेड है वो दज्जाल। और उससे बड़ा फितना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल से बड़ा फितना, दज्जाल से बड़ी शैतान इस दुनिया में कोई नहीं आने वाला, यानी सबसे बड़ा जो फितना, सबसे बड़ा जो मतलब शैतान आने वाला है वो दज्जाल है। और अगर इन केस आप सब में से किसी को भी खबर पता चल जाए कि कभी जगह पर किसी जगह पर दज्जाल आने वाला है, वो फितना आने वाला है, ही विल बी वन आइड, एक आंख होगी उसकी, ठीक है, अगर वो कहीं पर आपको पता चल जाए तो वहां से भाग जाना, उस जगह को छोड़ देना, वरना क्योंकि वो इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा शैतान है कि आपको गुमराह कर देगा। ही विल मेड लीड यू टू अस्ट्रे, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से अपनी तरफ बहला फुसला लेगा। और जैसे कि अभी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल बताया कि वो एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में जहन्नम लेकर आएगा, उसी तरह वो करेगा, बोलेगा लो ये जन्नत है और ये जहन्नम, लेकिन जो दज्जाल की जन्नत होगी वो जहन्नम असल होगी, और जो जहन्नम होगी वो असल में जन्नत होगी, और ऐसे बहुत सारे वो काम करेगा, लोगों को करेगा। जी तो अल्लाह के तरफ से आएगा या फिर वो खुद से ही आएगा? जब किसी भी माशरे में ना बहुत सारी बुराई बढ़ जाती है ना, बहुत सारी बुराई बढ़ जाती है, तो अल्लाह सुभान व तआला क्या करते हैं, बंदों को आजमाने के लिए, बंदों के ऊपर ट्रिब्यूलेशन ट्रायल्स डालते हैं, देखने के लिए कि कौन से बंदे अच्छे हैं, कौन से मेरे फरमा बरदार हैं, और कौन से इन ट्रायल्स में कौन लोग हैं जो इस फितने में फंस जाते हैं। तो अल्लाह सुबहाना ही ताला की तरफ, देखिए अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म के बगैर तो कोई एक पत्ता तक नहीं हिलता ना, एक पत्ता भी नहीं गिरता, तो कैसे वो बगैर अल्लाह के हुक्म के आएगा? तो अल्लाह ही हुक्म देंगे कि तुम जाओ, अब इन लोगों को क्या करो, ये लोग बहुत नाफरमान हो गए हैं, बहुत गाने बजाने सुनते हैं, बहुत ये लोग अपने वालदेन की नाफरमानी करते हैं, बहुत ये बच्चे जो है बहुत अपने पेरेंट्स के नाफरमान हो गए, कोई बात नहीं सुनते, अब जाओ तुम जाकर इस सारी दुनिया में फितना फैलाओ, और जो जो तुम्हारी बात मानेगा मैं सबको तुम्हारे साथ जहन्नम में डाल दूंगा। तो ये अल्लाह ही की तरफ से आएगा, ठीक है, तो कोई भी चीज आएगी जो भी होगी अल्लाह की तरफ से। वो ये बोलेगा ना कि
अगर तुम लोग मेरे पे मतलब मेरा मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम लोग को जन्नत में डाल दूंगा। तो जो लोग को जन्नत में डालेगा तो उनको जन्नम के तरह लगेगा क्या? नहीं नहीं, वो क्या बोलेगा कि हम जो है ना, मैं ना तुम्हें सपोर्ट कर, मतलब तुमको है ना जन्नत में लेकर जाऊंगा, लेकिन वो असल में जो भी उसका साथ देगा ना तो फिर वो जहन्नम में जाने वाला है। ठीक है, वो ऐसा जन्नत और जहन्नम में डालेगा नहीं, लेकिन जो उसका कंपेनियन बनेगा, जो उसका साथी बन जाएगा। तो देखे जैसे अब आज के दौर में हमारे पास शैतान होता है हम सबके साथ शैतान, आप लोगों को पता है हमारे साथ शैतान है या नहीं है? किसको पता है होता है या नहीं है? ना मोबाइल अच्छा चले, तो ये तो आपने वो वाली है, शैतान है हमारे साथ, शैतान है। और फरिश्ते हैं हमारे साथ? हाँ जी, हमारे कंधों पे पूरे टाइम रहते होते हैं, हमारे कंधों पे पूरे टाइम रहते हैं, हमारे कंधों पे किरामन का, हमारे हाँ किरामन का कहा जाता है। अच्छा टेल मी कि कितने शैतान और कितने फरिश्ते हम सबके साथ, कितने शैतान और कितने फरिश्ते होते हैं हमारे साथ? किरामन और कातिबीन। अच्छा किसको पता है किरामन कातिबीन के नाम क्या है? किरामन कातिबीन पता है किसे कहते हैं? किरामन कातिबीन मतलब के जो किरामन यानी के बहुत इज्जत वाले, कातिबीन मतलब लिखने वाले, वो जिनकी बहुत इज्जत है और वो लिखते हैं। ठीक है, अगर वो लेफ्ट हैंड वाले गुनाह लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इज्जत नहीं करें, वो तो इज्जत वाले हैं ना, अल्लाह ने उनको इज्जत वाला बनाया, बहुत हाँ बहुत इज्जत वाले। लेकिन अब उनका नाम कौन बताएगा, नाम कौन बताएगा उनका, दोनों का नाम कातिबीन, किरामन कातिबीन तो उनका टैग है, अल्लाह ने उनको कहा कि वो लिखने वाले। लिखने वाले किसी का नाम होता है क्या? अगर हम अपने स्कूल का सब्जेक्ट लिखते हैं, कुछ काम लिखते हैं, तो क्या हम लिखने वाला हमारा नाम हो जाता है? नहीं, यहाँ पर तो इतने प्यारे प्यारे नाम है बच्चों के, आमना है, खदीजा है, फातिमा है, ठीक है, तो इस तरीके से नाम है आपके, तो उनके भी कुछ नाम है ना, उनके कोई किसी को पता है नाम? मुनकर नकीर तो कौन, अच्छा कौन बताएगा मुनकर नकीर कौन से फरिश्ते हैं, कहाँ पर आएंगे वो? ग्रेव में आएंगे जो, हाँ वो कब्र में सवाल करेंगे ना, मुनकर नकीर नहीं है उनका नाम, ये आप लोगों का टास्क है। हाँ दिस इज योर टास्क, ठीक है, अब आप लोग पता करके आएंगे कि जो किरामन कातिबीन है उनका नाम क्या है। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क, ठीक है, चलिए अभी कैसे पता करेंगे आपके, आप ये अभी आपने क्या कहा था हमारे पास शैतान है, तो किसने कहा था मोबाइल है शैतान, किसी ने कहा था ना कि मोबाइल, अब आप इसको फरिश्ता बना दें, ठीक है, इसे अच्छे अच्छे काम करें। रकीब एन आतिर, हाँ रकीब एन आतिर, माशाल्लाह बारकल्लाह फीकुम, अल्लाहुम्मा जिद फजिद, अल्लाह सुभान व तआला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। बिल्कुल रकीब और अतीब, रकीब और अतीब ये दो नाम है, ठीक है, रकीब और अतीब ये दोनों, ये कुरान करीम में नाम आए हैं, ठीक है, दोनों के रकीब और अतीब। अच्छा तो ये जो है ना ये किरामन कातिबीन, अतीब या अतीद? अतीद, आइन आइन ता या दाल, अतीद, ठीक है, रकीब एंड अतीब, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। ओके बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा नाउ टेल मी, हमने आपसे एक सवाल किया कि कितने फरिश्ते हैं हमारे पास और कितने शैतान हैं, व्हाट इज द प्रोपोर्शन? दो हैं फरिश्ते, शैतान एक शैतान है, शैतान और दो फरिश्ते, सबके अपने अपने पर्सनल शैतान है, सबके अपने अपने पर्सनल दो फरिश्ते हैं। अब हम आपको बताएं कितने फरिश्ते हैं हम सबके पास, हम सबके पास चार फरिश्ते हैं और एक शैतान है, ठीक है, हर बंदे के पास अपने अपने पर्सनल चार फरिश्ते और सबके पास अपना अपना एक शैतान है। शैतान चार फरिश्ते कैसे हो गए, जो हमारे दो हैं किरामन कातिबीन, रकीब और अतीब, ये दो हो गए। देन उसके बाद दो फरिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे आगे पीछे होते हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं टिल वी डाई, अनटिल वी मतलब हम जब तक के अपनी कब्र में नहीं पहुंच जाते तब तक वो हमारी हिफाजत करते रहते हैं, जब तक अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से हुक्म नहीं हो जाता कि हमारी मौत का वक्त आ गया है, तब तक वो हमारी हिफाजतें करते रहते हैं।
तो दो फरिश्ते जो आगे मुहाफिज है, लहू मुआक्किबातिन, अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में फरमाया है कि तुम्हारे आगे और पीछे क्या करते हैं, मिन बैने यदैही है वो मिन खल्फिही, और उसके आगे और इसके पीछे एक क्या होता है, फरिश्ता होता है जो कि उसकी क्या करता रहता है, हिफाजत करता रहता है जब तक कि उसे मौत नहीं आ जाती। तो आप बताएंगे जी जी नाम, उनके नाम नहीं आया मैम। हाँ जी बोलते कि जब सुबह मतलब सुबह होती है, सुबह से शाम दो फरिश्ते हमारे कंधे में रहते हैं और फिर रात में वो चले जाते हैं और फिर सुबह तक दूसरे फरिश्ते रहते हैं। हाँ तो वो चारों का नाम क्या बोलते हैं, रकीब और अतीब है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जो हमारे कंधे पर हैं, जो कि हमारे आमाल लिखते हैं, उनका नाम है रकीब और अतीब। ठीक है, दो फरिश्ते ना, दो नाम है, और बाकी जो हमारे मुहाफिज फरिश्ते हैं उनके नाम नहीं आए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, हमारे हमारी हिफाजत करते रहते हैं, वो हमें हर किस्म की मुसीबत आफात से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें हमेशा कि एक शैतान भी है हमारे साथ, और एक शैतान जो हमें क्या करता है, हमें बुराई की तरफ लेकर जाने की पूरी कोशिश करता है। वो क्या चाहता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ना फॉलो करें, हम हर बुराई का काम करें, हम अल्लाह से दूर हो जाएं, हर वो चीज जो कि हमसे गलत हो सके, जिससे हमारे जो लेफ्ट हैंड वाले फरिश्ते हैं वो बुराइयां हमारी लिखती रहें, लिखते जाएं। ठीक है, तो ये वो ट्राई करता रहता है शैतान। लेकिन फरिश्ते क्या करते रहते हैं, हमें कोशिश करते रहते हैं कि हम नेकी की तरफ जाते रहें। लेकिन ये जो फरिश्ते होते हैं ना, ये जो फरिश्तों का प्रोपोर्शन अल्लाह सुबहान तआला ने रखा है, देखिए कितना अल्लाह सुबहान तआला रहम करने वाले हैं ना, कि चार फरिश्ते और एक ही शैतान रखा। अगर चार शैतान रख देते तो हम तो ऐसे ही इतने गुनाह करते हो, चार चार शैतान और हो जाते तो इतने गुनाह करते ना, दिन भर बुरे काम करते रहे, कुछ अच्छे काम करते रहते, कभी नेकी की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मुनकिर नकीर, कुछ अच्छे काम ही नहीं करते जो हैं, वो दो फरिश्ते हैं जो कि कब्र में हमारे पास आएंगे और हमसे सवाल करेंगे। ठीक है, कौन से सवाल करेंगे, वो मन रब्बुका मन दीनुका मन नबीयुका मन नबीयुका नबीयुका ठीक है नबीयुका सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर दीज थ्री क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे स्टेज है ना, जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो क्या करते हैं, स्टेयर्स का यूज करते हैं ना, सीढ़ी का यूज करते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी है कब्र की, और अगर ये पार हो गई तो फिर ऊपर चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन सवाल है ना, इसके लिए हम दुनिया में भेजे गए ना, यही इम्तिहान देने के लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु ताला ने दुनिया को क्या बना दिया, एग्जाम देते हैं ना आप, स्कूल जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, फिर पेपर देते हैं, फिर जैसा आप पेपर लिखते हैं वैसा मार्क्स आपको मतलब आपके टीचर देते हैं। तो बिल्कुल समझ लें, ये जो दुनिया है ना, बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल की तरह है। हम सब आए हैं, हम सब अपना अपना पेपर लिख रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहु ताला क्या है, टीचर हैं, और अल्लाह सुब्हानहु ताला देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चीटिंग तो नहीं कर रहे, गलत काम तो नहीं कर रहे, हमने अच्छे से पेपर लिखा या नहीं। और फिर जब हम पेपर सबमिट कर देंगे, यानी कि मौत के वक्त जब हम अपना पेपर सबमिट करेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहु ताला उसी हिसाब से क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। अब क्या होता है कि बच्चे जब अच्छा पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, जब अच्छे से नहीं पढ़ के जाते तो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हमने अच्छा पेपर लिख लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो फिर उसके बाद जो हमने पेपर लिखा है, अल्लाह सुब्हानहु ताला पता है आप लोगों को कि हमारा पेपर जो आउट होगा, जैसे टीचर क्या करते हैं, बुला के हमारे पेरेंट्स को दिखाते हैं ना पेपर, कि लो देखो ये पेपर आपके बच्चे ने, ये पेपर लिखा है इसने, ये बहुत अच्छा स्कोर किया। या जो बच्चे अच्छा पेपर नहीं लिखते हैं तो टीचर बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को मेहनत करवाओ, ये बहुत खराब पड़ता है, अच्छा नहीं पड़ता, इस तरह से फिर पेरेंट्स को नहीं हमारा पेपर हमें दिखाएंगे कि देखो तुमने ये लिखा था और ये लिखा था, तुमने अच्छा लिखा था तो हमने इतने मार्क्स दिए, अब तुम जन्नत में जा सकते हो, तुमने बुरा लिखा था, अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर किए तो इसकी वजह से तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। तो हमने क्या करना है, क्या करना है, हमने फिर क्या करना होगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा ना पेपर। तो अब पेपर सिलेबस है, तो हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास
आप देखें जब हमारे पास सिलेबस होता है तो कौन कौन सी बुक्स होती है हमारे पास, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी, मराठी, सोशल स्टडीज, वो सारी होती है। हमारे पास दीन की कौन कौन सी बुक्स हैं? कुरान, कुरान एंड कुरान देखिए, कुरान भी है। हाँ, जो बच्चे अभी कायदा पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कायदा, ठीक है, और कुरान है हमारे पास, और साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना सुन्नत। और हमारा जो पेपर है ना कौन सी लैंग्वेज में है, अरेबिक में है, जी ठीक है। हैंड रेज करें बच्चों अगर किसी ने कुछ पूछना है या बताना है ना, तो हैंड रेज कर लें क्योंकि बहुत सारे माइक्स अनम्यूट हो जाते हैं ना तो फिर आवाज प्रॉपरली नहीं आती। जी खदीजा क्या कह रहे हैं आप? खदीजा बेटा आपकी तरफ थोड़ा सा शोर है, आई एम सो सॉरी हमने आपकी बात पूरी तरह नहीं सुन पाए। मैम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है खदीजा के पास, प्लीज। हाँ खदीजा आप है ना, मैम वो कह रही है, मैम अभी आ रही है आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है। जो 1-2 इयर्स के होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं तो जब वो इंतकाल हो जाते हैं तो ये वो गैर वाले हो या गैर गैर वाले हो तो वो जन्नत में जाता ना। हाँ छोटे बच्चे हैं ना अभी, तो उनका जो मतलब जो बुक होती है ओपन ही नहीं हुई ना अभी। जो छोटे देखिए जो प्ले ग्रुप और नर्सरी में जो बच्चे होते हैं तो हम क्या उनका एग्जाम लेते हैं? नहीं ना, उनको तो खाली खेलना होता है और फिर चले जाते हैं ना अपने घर पर। बिल्कुल उसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई नहीं करनी होती, उनको उनको अल्लाह सुबहानहू ताला ऐसे ही पास कर देते हैं क्योंकि वो उनका उनका भी स्लेप वो एज ही नहीं हुई थी ना स्कूल जाने की, तो स्कूल जाने की एज नहीं हुई तो फिर अल्लाह सुबहानहू ताला पेपर ही नहीं लेंगे छोटे बच्चे। हम कब स्कूल में एडमिशन होता है? जब 2-2.5 ईयर्स के होते हैं, 2.5 साल के होते हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं है ना स्कूल के, दुनियावी स्कूल की बात कर रहे हैं। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने जो दीनी स्कूल रखा हुआ है उसकी भी एक एज मुकर्रर की है, तो फिर उस एज के बाद अल्लाह सुब्हानहु ताला एग्जाम का वो लेते हैं, पेपर लेते हैं। उससे पहले जो छोटे बच्चे मैम तो कितने साल के बच्चे होते हैं तो मतलब उनको अमल करना है ना 7 ईयर्स से आप लोगों के ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है ना। फर्ज का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेटरी, यानी अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। अगर हम मतलब हमें पढ़नी होती है। बिल्कुल 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 नहीं पढ़ेंगे जैसे हम स्कूल नहीं जाते तो टीचर एब्सेंट लगा देती है। हाँ एब्सेंट लगा देती है, वैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला के वहाँ रिकॉर्ड में हम एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, कहेंगे बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी तो एब्सेंट, आज एब्सेंट हो गया, और बहुत सारे एब्सेंट लग जाएंगे तो फिर ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे है ना, तो फिर पेरेंट्स को बुलाएंगे, फिर डांट पड़ेगी, फिर उसके बाद टीचर कहेंगे स्कूल से निकाल देंगे है ना, तो ये सारी चीजें फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अच्छा टेल मी कि कितने यहाँ पर 7 इयर्स से या प्लस हैं, 7 इयर्स या 7 इयर्स प्लस, कितने हैंड रेज करें जल्दी से। आप में से कौन 7 साल का है या 7 साल से ज्यादा का है? हादिया, हम 7 साल के। अच्छा माशाल्लाह हादिया भी हैं आज, चलें और 1, 2, 3, 4 कितने हैंड रेज हुए हैं यहाँ पर? अच्छा नहीं 7 साल या 7 साल से ज्यादा, मैं 8 इयर्स की हूँ। हाँ तो 7 से ज्यादा हो गए ना बच्चा आप, तो जितने भी 7 साल वो हैंड रेज कर दें। चले यहाँ पर 7 बच्चे हैं 7 साल या 7 से ज्यादा के। आप सब नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की? मैम एक वो भी तो होती है ना लिमिट अलग सोने के बच्चों की, इतने साल तक नमाज आप सब नमाज पढ़ती है। अच्छा तो यानी कि जितने सारी नमाज पढ़ते हैं, वाई फजर नहीं हो पाती बच्चा? मम्मा को नहीं बोलते आप?
कि मम्मा हमें उठाइएगा, आप उठ नहीं पाते। अच्छा आप कितने बजे सोते हैं, जल्दी सोते हैं देर में? कभी 10 बजे सोते तो कभी लेट हो जाता, कभी लेट हो जाता है, मतलब 12 o'clock तक आप सोते होंगे, है ना, लेट हो जाता है यानी कभी देर हो जाती है। तो अब आज से अल्लाह सुबहान व तआला से एक प्रॉमिस करें कि अल्लाह मैं आज से कोई नमाज नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, और अल्लाह सुबहान व तआला को कहें कि अल्लाह मुझे फर्मनेस दे, अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, अल्लाह मुझे क्या कर फजर के वक्त उठा दिया कर, वरना क्या होगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगी। तो अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ करें कि अल्लाह मैं नहीं उठ पाती हूँ, अल्लाह मुझे उठाने वाले तो अल्लाह सुबहान व तआला है, तो फिर अल्लाह ही क्या करेंगे आप अगर नहीं भी उठ पाएंगे तो आपको मम्मा जब उठा रहे होंगे तो आपको फिर आपका प्रॉमिस जो आपने अल्लाह से किया है वो याद आ जाएगा। अब क्या होता है ना कभी कभी, अब सर्दियां पड़ रही हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आओ, है ना, ऐसा लगता है होता है, तो हमने क्या कर रहा है अल्लाह सुबहान व तआला से प्रॉमिस करें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह पाक आप नहीं उठाएंगे तो फिर मैं कैसे उठूंगी, तो वो जो मेरे 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 जो हेल्पर फरिश्ते हैं ना जो मेरी हेल्प करने वाले हैं। मैम मैं कितने बार दुआ करती हूं, आप कोशिश करते हैं फिर भी नहीं उठ पाते, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ मैम। हम आपको बता रहे हैं ना कि आपने दुआ की थी कभी अल्लाह से, कहा था कि अल्लाह मुझे उठा दिया करें। हाँ मैम मैंने बहुत बार कहा पर नहीं उठा। तो फिर अब है ना अल्लाह सुबहान व तआला से जब कहें तो यकीन के साथ कहें, पता है, या आप याद रखें कि जब भी हम दुआ करते हैं ना तो हमें यकीन होना बहुत जरूरी। यकीन किसको कहा जाता है कि भरोसा करें अल्लाह सुबहान व तआला के ऊपर, क्योंकि हम क्या करते हैं ना सिर्फ दुआ मांगते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते कि अल्लाह वाकई में ये कर देंगे। जब अल्लाह सुबहान व तआला ने हमारे लिए सब कुछ किया है तो क्या हमें फजर के वक्त नहीं उठाएंगे? बिल्कुल वो उठाने पर कादिर है। तो अल्लाह सुबहान व तआला से कहे कि अल्लाह मैं मुझे उठा ही देना, और मम्मा जब मुझे उठाएं तो मेरे जो नींद है वो मुझसे दूर कर देना ताकि मैं क्या करूं अच्छे से नमाज पढ़ सकूं। और फिर याद रखना कि इब्लीस ने क्या किया था, इब्लीस ने क्या किया था जब अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा सजदा करो तो नहीं किया था ना, तो अल्लाह ने क्या बना दिया, नहीं किया था, अल्लाह ने क्या बना दिया उसको, हमेशा है ना, सजदा ना करना नमाज ना पढ़ने के बराबर है। तो सोचिए अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें वो जन्नत से निकाल सकते हैं। हाँ कितनी बड़ी बात है ना, अगर आप किसी क्लास में किसी स्टैंडर्ड में फेल हो जाएं तो कितना रोएंगे ना आप, रोएंगे कि नहीं रोएंगे, तो अगर जन्नत से निकाल दिया जाए तो हम कितना रोएंगे। तो हम हमने उसने क्या किया था, उसने सजदा ही तो नहीं किया था ना, तो अल्लाह सुबहान तआला ने उसको हमेशा के लिए शैतान बना दिया, वो जिन था ना लेकिन उसको हमेशा के लिए शैतान बना दिया, क्योंकि उसने क्या किया था सिर्फ एक सजदा नहीं किया था। और हमारी फजर की नमाज में कितने सजदे होते हैं, 4 सजदे होते हैं, तो सोचिए 4 सजदे हम छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह कितना नाराज होगा, जब इब्लीस के एक सजदे पे वो नाराज हो गया अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो फिर हमारे 4 सजदे जब रोज हम काउंट करें कितने हो जाते हैं फिर, और फिर हम फिर उसके बाद तो वो भी नहीं है कि हम और सुन्नत को तो मिला के 8 सजदे हो जाते हैं मिलाकर, बिल्कुल सुन्नत को अगर मिला लें तो फिर और 8 हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, सुन्नत प्लस फर्ज मिला के 8 हो गए, तो 8 सजदे छोड़ दिए, तो सोचिए अल्लाह कितना नाराज हो जाएगा। 8 के मल्टीपल्स में देख लें यानी कि एक बार की इतनी बड़ी सजा, उस टाइम पे तो अल्लाह ने गुस्सा हुआ था तो उसे माफ भी नहीं किया था, अल्लाह हमको तो माफ भी कर देते हैं। ये तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से कि वो हमें माफ भी कर देते हैं। बहुत ये प्यारी बात आपने कही कि अल्लाह सुभान व तआला से जब हम माफी मांगते हैं तो अल्लाह हमें माफ भी कर देते हैं। तो अब आपने अल्लाह सुभान व तआला से कहकर और अपने पेरेंट्स से भी, किसी से भी घर में ना जो आपको उठाता है तो उससे कहकर सोएं कि हमें क्या करेंगे आप, नमाज के लिए उठा देंगे। अगर कहे कि आप अगर मुझे नहीं उठाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँ, ठीक है, इस तरीके से कहे, अगर मैं आप मुझसे बात मतलब मैं फिर आपसे मेरे अब्बू अगर एक बार जब भी सोएंगे तो वो उठ जाते हैं। अच्छा
तो अब आप लोगों ने भी वो हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है, इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जब अगर इन केस आप नहीं उठ पाते तो अल्लाह सुबहाना तआला से माफी मांगे कि अल्लाह मुझे माफ कर देना कि मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं उठ पाई, तो अब मेरी इस कोशिश में मेरी हेल्प करना। अल्लाह सुबहाना तआला से बेहतरीन मददगार कोई नहीं है ना, व निअमन नसीर, उससे बेहतरीन, उससे प्यारा मददगार कोई नहीं है। तो जब वो हेल्प करेगा तो इंशाल्लाह आप कि नमाज के लिए आंख खुलने लगेगी। अच्छा, ये रही बच्चों की, उन बच्चों की बात जो कि 7 साल से ऊपर है। बाकी सारे बच्चों ने ना अभी से ट्राई करना है। फज्र नहीं होती है, इट्स ओके, लेकिन जब आपकी मामा नमाज पढ़ती हैं तो फिर आप सबने भी उनके साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना है, ठीक है? ट्राई करेंगे ना आप सब लोग, जल्दी से एक साथ कहें इंशाल्लाह। आपके इखलास में, आपकी नियतों में बरकत अता फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आसान फरमाए, ठीक है? तो इंशाल्लाह आमीन। एक हम होमवर्क देते हैं आप लोगों को, ये होमवर्क आप सब, ठीक है? वन तुम पे जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हाँ जी, देखिए आप लोगों का होमवर्क क्या है, टास्क क्या है, वो ये याद रखें या तो आप अपनी बुक में लिख लें, अदरवाइज यू ऑल विल फॉरगेट, ठीक है? तो अब आपका होमवर्क ये है कि अल्लाह सुबहान तआला ने हम सबको ब्लेसिंग्स अता किया, अल्लाह सुबहान तआला ने हमें नेमतें दी हैं या नहीं दी है? बहुत सारी चीजें मैम, आप होमवर्क ग्रुप में डाल देंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम डाल देंगे। तो दो नेमतें जो आपको लगता है बहुत यूनिक हैं, बहुत अलग हैं, जो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दो नेमतें दी हैं, ठीक है? बहुत, अल्लाह ने तो हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, हम सबसे बड़ी नेमत हमारी कि हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, बारकल्लाहु फीकुम, हिदायत अता की, ईमान अता किया। तो क्रिश्चियंस भी हो सकते थे, हम लोग हिंदू भी हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें स्पेशली चूज किया कि हमें नमाज पढ़ने की तौफीक फरमाई। आमीन, अल्लाह सुब्हानहू, बहुत सारे लोग नमाज की तौफीक फरमाई हमें। अब आप लोगों का ये टास्क है, ये होमवर्क है कि आप अल्लाह सुबहानहु तआला की वो दो नेमतें जो आपको लगता है कि बाकी किसी को नहीं है, मुझे बहुत यूनिक नेमतें मिली है जो अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ से मिली है, ठीक है? तो हम आप सबसे पूछेंगे इंशाअल्लाह कि आपको अल्लाह सुबहानहु तआला ने क्या नेमतें दी हैं जो आपको लगता है कि बहुत स्पेशल हैं और बहुत अल्लाह सुबहानहु तआला ने मुझे चूज किया इस चीज के लिए। और वो नेमतें आप दो नेमतें आप सब लोग लिखकर लेकर आएंगे, ठीक है? क्योंकि अल्लाह सुबहानहु तआला की नेमतें तो बहुत सारी हैं, बेशुमार है, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो तो तुम नहीं काउंट कर सकते। अगर तुम सारी दुनिया के समंदर को इंक बना दो, स्याही बना दो, और फिर सारी दुनिया के जो पेड़ है ना, दरख्त हैं, जो ट्रीज हैं जितने भी, उनके जो मतलब उससे कलम बना लो, उससे पेन बना लो, और फिर अल्लाह सुबहान तआला की नेमतों को लिखना शुरू करो, सारे समंदर, सारे कलम, सारे लिखने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी, ठीक है? तो सोचे हम जहां पर भी आंख उठाएंगे, जहां पर भी देखेंगे, जहां भी गौर करेंगे, वहां अल्लाह ही की नेमतें हमें दिखाई देंगी, ठीक है? तो आपने देखे एक बहुत अच्छी बात कही कि ईमान अल्लाह ने दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फायदा उठाया, फरमाई हमें इंसान बनाया, है ना? कितनी सारी नेमतें हैं। तो अगर लिखने की तौफीक थी, बिल्कुल, कितनी सारी नेमतें। तो अब आप लोग, हाँ, अगर हम हर दिन मैम सारा इमरान ने देखा, अगर हम रोज रोज छोड़े फजर तो एक पूरी वीक में हम लोग 28 सजदास मिस कर दें। कितने 28, अल्लाह अकबर, सोचे एक और 28 का कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। 28 सुजूद अगर हम मिस कर दें तो अल्लाह कितना नाराज हो जाएगा ना हमसे कि देखो ये बंदी मैंने को क्या क्या नहीं दिया, पेरेंट्स दिए, खाने को दिया, पीने को दिया, स्कूल दिया, हमने इसको इल्म दिया, हमने इसको मुसलमान बनाया, हमने और हम होल मंथ किया, हाँ होल मंथ अगर नहीं करेंगे तो 120 होल मंथ 120 हम 120 सजदास मिस कर देते। या अल्लाह, तो सोचे अगर हमने पिछले एक महीने में अगर नमाज नहीं पढ़ी फजर की, तो सोचे 120 सुजूद हम मिस कर चुके हैं।
अब अगर हम कहते हैं कि फजर की नमाज स्पेशल होती है, इट इज सो स्पेशल कि अल्लाह सुब्हान व तआला अल्लाह को फजर और ईशा बहुत पसंद है, क्योंकि सुबह हम उठने जाते हैं, रात में हमें जल्दी नींद आ जाती है। ईशा और फजर और असर, क्योंकि असर फजर अल्लाह के लिए हम कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, हम अल्लाह के लिए। मैम हमारे एंजल चेंज होते हैं, हाँ फजर और असर के वक्त एंजल्स जो है तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं, जो कि हमारे वो लिख के लेकर जाते हैं ना, अमाल लेकर जाते हैं, वो लेकर जाते हैं। आपसे वही पूछ रही थी कि जो दोनों हमारे शोल्डर पे रहते हैं, तो वो जब सुबह में शाम में जाते हैं और असर के टाइम और चेंज होते हैं, वो चारों फरिश्तों नहीं जाते, वो जो वो काम किसी और फरिश्तों को असाइन किया हुआ है, जो ऊपर ले जाने वाला अमल वाला है ना, वो दूसरे फरिश्ते हैं, ठीक है। तो सारे फरिश्ते क्या कर रहे होते हैं, अल्लाह की मतलब वो कर रहे होते हैं। अच्छा अब वन मोर थिंग, कि आपसे जब फजर के बारे में पूछ रहे हैं कि फजर के टाइम पे क्यों ये स्पेशल है, क्योंकि उस टाइम पर फरिश्ते जो होते हैं अल्लाह ताला फर्स्ट आसमान पे भी आ जाते हैं। ड्यूटी चेंज होती है, तो उस टाइम पर है ना अल्लाह सुबहान तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि जब तुम आए थे, जब आप लोग अमल लेकर आ रहे थे मेरी बंदी का, मेरे ये जो बंदी है, तो ये जब तुम ऊपर आ रहे थे फजर के टाइम, तो ये लोग क्या कर रहे थे? तो फरिश्ते कहेंगे कि हाँ मेरी या अल्लाह वो जो तेरी बंदी है ना, वो नमाज पढ़ रही थी, खदीजा है, आमिना है, नबा है, शाहीन है, सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह सुबहान तआला क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि देखो मेरे बंदे इतने प्यारे हैं कि जब अमल मतलब आ रहे हैं तो क्या कर रहे थे, मेरा जिक्र कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे, अपनी नींद को भी भूल गए। वो ये भी नहीं देख रहे कि सर्दी इतनी ज्यादा है, वो अपने ब्लैंकेट्स अपनी नींद को छोड़कर मेरे लिए खड़े हुए हैं। तो कितने मेरे प्यारे बंदे, तुम गवाह हो जाओ मैंने इनको माफ कर दिया, इनके गुनाहों को माफ कर दिया, ठीक है। और अगर कोई बंदे सो रहे होंगे तो फिर अल्लाह सुबहान तआला के पास जाके वो कहते हैं कि या अल्लाह जब हम आ रहे थे ना, और तुम जब यहाँ से मुअज्जिन अजान दे रहा था कि अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, तो ये बंदे कह रहे थे नहीं नहीं हमारी नींद बड़ी है, हम सोएंगे, हमें नींद ज्यादा पसंद है और हम सोए रहेंगे, हमें नहीं आना जा नमाज पर, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज, तो वो अपनी नींद को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला फिर उस चीज को लिख लेंगे कि देखो मेरे बंदों के लिए उनकी नींद ज्यादा स्पेशल है, उनको नमाज और मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें नींद उन्हें सोना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम उस लिस्ट में शामिल होना चाहेंगे जिसमें अल्लाह सुबहान तआला कहेंगे देखो ये बंदे को मतलब मुझसे बात करना नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगेगा हमें अगर फरिश्तों से अल्लाह सुबहान तआला ये बात कहें कि ये बंदे को तो मुझसे बात पसंद है, तो हमें फर्स्ट वाली लिस्ट में आना है ना, फर्स्ट वाली लिस्ट में आना है जिसमें अल्लाह सुबहान तआला क्या कह रहे हो कि देखो मैंने इस बंदी को माफ कर दिया, ये देखो इतनी सर्दी में अल्लाह अकबर इतना इसमें वजू करने में इसको परेशानी हो रही थी, ठंड लग रही थी और नींद इतनी तेज वाली आई हुई थी, और शैतान जो था नॉट पे नॉट्स बांधे जा रहा था, इसको बहकाया जा रहा था, हर तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने कहा नहीं मेरा रब सबसे बड़ा है, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, और मुझे नींद से प्यारा मेरा रब है, मुझे मेरा अल्लाह बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूंगी अब नमाज पढ़ूंगी। तो मैं खड़ी हो गई और मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो अल्लाह सुबहान तआला ने कहा कि देखो इतनी सारी कुर्बानी देके, इतने सैक्रिफाइसेस करके ये मेरी बंदी जाए नमाज पर खड़ी हुई है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, माफ कर दिया, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करती है, इसीलिए तो सारी दुनिया की चीजों को छोड़कर, इस नींद को छोड़कर, जबकि उसको आराम मिल रहा था, फिर भी उसने क्या किया, अपने आराम को छोड़कर मुझे पसंद किया। तो अल्लाह सुबहान तआला को जो पसंद करता है, तो अल्लाह क्या उसको नहीं पसंद करेगा, फिर अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा, है ना। और फिर जब अल्लाह सुबहान तआला पता है हम हमसे मोहब्बत करते हैं, तो क्या करते हैं, अल्लाह सुबहान तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो वो जो बंदी है ना, नींद छोड़ छोड़ कर नमाजें पढ़ती है, ये मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्राइल आप भी इससे मोहब्बत करो, इस बंदी से मोहब्बत करना, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, ये सारी चीजों को छोड़कर मेरे पास आती है, तो मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये बात पता चलती है कि अल्लाह इससे मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह सुबहान जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंच जाते हैं सारे फरिश्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम पता है ना आपको, सारे फरिश्तों के हेड है, वो कमांडर है,
सब सारे फरिश्तों को वो कमांड करते हैं, ठीक है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं, सारे फरिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला है ना वो बंदी है उससे मोहब्बत करते हैं, तो मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, उस बंदी से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तो अब तुम सब पर भी लाजिम है कि तुम सब भी उस बंदी से मोहब्बत करो। तो सोचे कितनी ब्लेसिंग होगी, कितना सुनकर ही वो लगता है ना, मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि फरिश्ते हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह सुबहान तआला जब फरिश्तों में ये बात आम कर देते हैं कि वो बंदी मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सारे फरिश्ते मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह सुबहान तआला क्या करते हैं पता है, दुनिया वालों के दिल में भी उस बंदी के लिए मोहब्बत डाल देते हैं। और हमें तो यही चाहिए ना कि एक पीसफुल माहौल हो, सब हमको पसंद करे, किसी को ऐसा अच्छा लगता है कि सब हमसे लड़ते रहे, सब हमें बुरा कहते रहे, किसी को अच्छा लगता है ऐसा? हमें से नहीं, क्या हम अगर ये चाहते हैं ना कि सब हमसे मोहब्बत करें तो हम अल्लाह के लिए अपनी नींद को तर्क कर लें। और जिस दिन हमने अपनी नींद को कॉन्कर करना सीख लिया, नींद के ऊपर हमने अगर फतेह कर ली ना, जब हम इससे जीत गए, तो फिर समझ लें कि फिर आपके लिए अल्लाह सुबहान तआला रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। रिस्क यानी प्रोविजंस। अल्लाह सुबहान तआला फजर के टाइम प्रोविजन तकसीम होता है ना, रिस्क तकसीम होता है। व्हाट इज रिस्क? रिस्क किसे कहा जाता है? रिस्क जो हमारे जो खाना नसीब में जो खाना रहता है उसको रिस्क कहा जाता है। हाँ बच्चा, रिस्क पता है किसको कहते हैं? एवरीथिंग विच अल्लाह प्रोवाइड्स इज कॉल्ड रिस्क। हर वो चीज जो अल्लाह ने मैम आपको पता है क्या मैम, एक ना अंकल थे तोला, वो बहुत गरीब थे रहा, तो उन्होंने अल्लाह को कहा कि मेरे रिस्क में जितनी रोटी उनको मेरे को दे दो, क्योंकि उनको एक बहुत कम खाना नसीब हो जाता, तो उनको अल्लाह ने 20 रोटी दी, तो उतना तो नहीं खा सकते थे, तुमने खाली 2 रोटी खाए, बाकी सब गरीबों में बांट दिए, और फिर उनके रसीब में कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर बहुत दिन के बाद ना कोई तो नबी आए, तो उन्होंने देखा, तो फिर वो अल्लाह को बोले, अल्लाह इनके पास इतना सारा खाना कैसे, दाल चावल वगैरह जो ये सबको खिला रहे हो, इतना सब चीजें, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने वो बोले कि इनका रिस्क तो खत्म हो गया था ना खाना वगैरह, तो बोले कि लेकिन इसने सबको बांटने लगा, तो मैंने कहा है जो अगर तुम किसी को 1 दोगे तो मैं तुमको 10 दूंगा, और इसने 18 लोगों को दिया, इसलिए मैंने इसको इतना सारा दिया, और ये अभी भी दे रहा है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम 1 देंगे तो अल्लाह हमें 10 देंगे, और फिर वो इतना अमीर हो गया कि वो मतलब सारे गरीबों को खिलाना, फिर जितने ज्यादा आता रहा तो उन्होंने उतने ज्यादा लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही, ये जो स्टोरी है यानी अल्लाह सुबहान तआला हमें क्या देते हैं। अच्छा, हम रिस्क के बारे में बता रहे थे कि रिस्क इज नॉट जस्ट खाना पीना, रिस्क का मतलब है खाना पीना, कपड़ा, वालदैन, हमारे जो पेरेंट्स है वो भी हमारा रिस्क है, हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो हमें नॉलेज मिल रही है वो भी हमारा रिस्क है, हर वो चीज जो अल्लाह सुबहान तआला ने दी। अच्छा, हमें कोई और किसी ने कुछ दिया ही कब है? सब कुछ तो अल्लाह ही ने दिया है ना, तो हर चीज अल्लाह सुबहान तआला ने जो भी दिया है वो हमारे लिए रिस्क है। हमें घर दिया, हमें अल्लाह सुबहान तआला ने, हम घर में बैठते हैं, पंखे में बैठे होते हैं आराम से, फिर बैठ के अपने मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं, ये मोबाइल भी रिस्क है आपका। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने रिस्क को कैसे यूज करें इसको। अभी जैसे किसी ने कहा था कि ये मोबाइल सबसे बड़ा शैतान है, तो हम इसको क्या बना दें, गुड वर्क में यूज करें, अच्छे गुड डीड्स में यूज करें। जब आप इसका इस्तेमाल अच्छा अच्छा करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सुबहान व तआला, फिर अगर हम गंदा यूज करते हैं, हर चीज जो रिड्यूस है, एडवांस स्टेज है, गंदी रेडियो वेव्स निकलती हैं, और जब हम अच्छी चीजें सुनते हैं तो अच्छी रेडियो वेव्स निकल के गंदी रेडियो वेव्स का सिग्नल काट देती हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शैतान का भी यही मामला है कि जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं हमारे चारों तरफ फरिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, और जब हम बुरे बुरे काम करते हैं तो हमारी तरफ शैतान आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हर चीज में डिसएडवांटेज और एडवांटेज होता है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे यूज करें। हर चीज का बूंद और बेंद दोनों है,
हर चीज के लिए फायदे भी हैं, हर चीज का नुकसान भी है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करें, हम उसको अच्छे कामों में लगा रहे हैं या बुरे कामों में लगा रहे हैं। दो रास्ते बता दिए, एक सही और एक गलत। यानी कि हम उसको सॉन्ग सुनने में लगा रहे हैं या कुरान सुनने में लगा रहे हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग क्या क्या लिख कर लाएंगे, अपनी दो स्पेशल नेमतें जो अल्लाह सुबहानहू तआला ने, तुम बेहतरीन ब्लेसिंग जो आपको लगता है बड़ी यूनिक है, जो किसी को नहीं मिले, मुझे मिली है, तो वो आप लोग सारे लोग दो दो नेमतें लिख कर लाएंगे। लिख लाएंगे ना इंशाल्लाह सारे लोग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुबहानहू तआला आप सबके इल्म में इजाफा अता फरमाए। ठीक है, तो आज हमने लिंक शेयर करने में देर हो गई थी, तो इसीलिए हमने आज एंगेजमेंट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आपके ही टीचर इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह सुबहान व तआला आप सबके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। जो मैम हमें पढ़ाती हैं वो अभी आई थी क्लास। हाँ, तो आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर, हमने एक्चुअली में देखा ही नहीं। सॉरी, फिर चले गए आपको? नहीं है, वो चले गए, वो थोड़ी देर पहले ही गए। अच्छा जी जी, बच्चे कहें हाँ मैम, अल्लाह सुभान ताला ने हमें इस बार वो अटेंड क्यों, इस बार वो क्यों नहीं लिए थे क्लास मैम? क्योंकि हमने लिंक जो थी ना, हम दूसरी क्लास में भेजी थी, तो लिंक शेयर करने में देरी हो गई थी, तो माइट बी मतलब उसकी वजह से। ठीक है मैम, सऊदी में यहाँ पे मगरिब की अजान 30 मिनट पहले हो गई है। जी जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ असल में मसला ये है कि अब सब जगह अलग अलग है ना, हम पाकिस्तान से हैं, हम इंडिया से हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम क्लैश हो जाता है, तो हम भूल गए थे एक्चुअली में। मैम जी जी, अल्लाह सुभान ताला ने हमारा दिल पूरा दीन से भरा है, उन्होंने सिर्फ एक डॉट बुराई का रखा है, अगर हम चाहे तो वो डॉट को कुरान पढ़ के खत्म कर दे वो बुरा वाला को, और अगर हम चाहे तो और अगर हम चाहे तो उसे बढ़ा भी सकते हैं बुराई करके। हाँ, एक सहाबी थे, उन्होंने प्रॉफिट से पूछा सबके दिल में बुराई है तो आपने आपके दिल में की बुराई कहा क्या करे आपने, तो फिर प्रॉफिट ने बोले कि हमने उसे कुरान पढ़कर खत्म कर दिया और उसे भी फरिश्ता बना दिया। बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे से थे ना, ही वाज आई थिंक 4 or 3 व्हेन ही वाज 4, 4 साल के थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिब्रील अलैहि सलाम उनके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को यानी कि चेस्ट को चाक किया यानी कि कट किया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला और उसके बाद उसको धो के अच्छे से लगा दिया था, क्लियर कर दिया उनको हार्ट को, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में से हर चीज की बुराई और हर चीज का जो मतलब दुनियावी जो चीजें होती हैं वो निकाल दी और धोकर पाक साफ शफाफ दिल जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सीने में लगा दिया। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शैतान नहीं भड़का सकता था, कोई ऊपर से हम अटैक नहीं हो सकता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्योंकि क्या होता है ना, अटैक कब होता है, जब तिजोरी खुली होती है ना, जब मतलब हम सोना देखें, हमारे पास सेफ होते हैं ना, मतलब कबर्ड होता है, कबर्ड अगर खुला हुआ होगा और सामने सोना दिखाई दे रहा होगा तो चोर चोरी करके ले जाएगा, राइट, है ना, लेकिन अगर कबर्ड पर आपने ताला लगा कर रखा हुआ होगा तो चोरी कर सकता है वो? नहीं कर सकता ना, तो उसी तरह से अगर हम उसको ताला लगा के रखे ना, अपने दिल को ताला लगा के रखे, बाहर वाले को अंदर आने ही ना दे, तो फिर क्या होगा, अंदर का जो ईमान है वो चोरी नहीं कर सकता, अंदर ईमान है ना हमारे दिलों में, हमारे दिलों में जो बिलीफ है, जो फेथ है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो ये जो हमारा दीन है वो सारा दिल में बसता है, और अगर हम बाहर से ताला खोल देंगे ना शैतान के आने के लिए, तो फिर शैतान इसमें आकर वो चुरा के ले जाएगा। ईमान इज व्हाट, खजाना, ईमान खजाना है ना, ईमान क्या है,
एक एक वो है बहुत बड़ा सा खजाना, क्योंकि ईमान से बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता। खजाने की चोरी कौन करने आता है? चोर चोरी करने आता है। अब यहाँ पर ईमान के खजाने की चोरी कौन करता है? शैतान। और शैतान को जब मौका मिलेगा, जब हम उसको अलाउ करेंगे। तो इसीलिए ऑलवेज कीप योर हार्ट लॉक। किस चीज के लिए लॉक रखें? बुराइयों से दूर रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहु ताला क्या करेंगे हमारे दिल को, हम लोग अपने आप को रात में प्रोटेक्ट करते हैं लॉक करने से, चोरों से। और अगर हम अपने दिल को लॉक नहीं करेंगे तो शैतान से हम कभी प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह। तो हमने क्या करना है? अंदर वाले को लॉक करके रखना है अपने सेफ को, ताकि बाहर से कोई हमला ना कर सके। अच्छा वाला ताला लगाएं, अच्छी क्वालिटी का, ताकि उसके ऊपर कोई हमला ना कर सके। अगर वो हमला करने भी आए तो देखे कि ओ माय गॉड, दिस लॉक इज वेरी एक्सपेंसिव। ये तो ऐसा लॉक कि वो एक ही चाबी से खोल सके। हाँ, वन की लॉक जो होता है सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है, और हम उसको खोलेंगे नहीं, हमने अलाउ ही नहीं करना है उसको खोलना। ठीक है, उसकी चाबी हमारे ही पास होनी चाहिए और किसी को नहीं देंगे हम। ठीक है, ताकि वो हमारे दिल पर अटैक ना कर सके इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु और वो चाबी कुरान है, अगर हम कुरान को दे दे किसी को और हमसे दूर कर ले, बिल्कुल बिल्कुल वो खुल जाएगा। हाँ, तो ये जो कुरान करीम है क्या करता है? हमारे फेंसिंग कर देता है ना, चारों तरफ से लॉक को मजबूत कर देता है। तो अच्छी तरह से अपने दिल को लॉक कर लेना है कुरान पढ़ पढ़ के, तिलावत कर करके, अल्लाह की फरमाबरदारी करके, पेरेंट्स की फरमाबरदारी करके इंशाल्लाह, ताकि जब हम पेरेंट्स की फरमाबरदारी करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु ताला खुश होते हैं। और फिर वो जो अभी हमने मोहब्बत वाली बात बताई, अल्लाह फिर हमसे मोहब्बत करने लगते हैं। ठीक है, जब अल्लाह मोहब्बत, पेरेंट्स गुस्सा होते हैं तो अल्लाह भी गुस्सा हो जाते हैं। जब हमारे पेरेंट्स अच्छे खुश होते हैं, अल्लाह ताला भी खुश हो जाते हैं। तो हम आप लोगों के, अब नेक्स्ट वीक हम दो टास्क हो गए, दोनों टास्क पूछेंगे हम आप लोगों से, पूछेंगे कि आप लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पूरे हफ्ते। दूसरी चीज कि आप लोगों ने क्या होमवर्क था? क्या नेमतों का शुमार? हाँ, नेमतों का शुमार करना है। टू नेमतें, टू ब्लेसिंग जो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने आपको दिया, आप उसको लिख कर लाएंगे, ताकि हम इंशाल्लाह आप लोगों से पूछेंगे कि कौन कौन सी नेमतें हैं जो आपके पास यूनिक है, ताकि हम, हमारे पास भी होंगी तो हम भी पॉन्डर करें, थोड़ा सा हम भी सोचें, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि नेमतें जब तक हम गिनेंगे नहीं, तब तक शुक्र कैसे करेंगे? अल्लाह की नेमतों को हम शुमार करेंगे, अल्लाह की नेमतों को लिखेंगे, ताकि हम जो है इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है, चले अब हम ऐसा करते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्री व आयातिल हकीम। अल्लाह सुबहान तआला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी जी मैम, क्या आप अगली बार से सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया करें? जी जी बिल्कुल। असल में बच्चा मसला ये हुआ कि हम जो थे बिजी थे हमारी दूसरी क्लास में, और फिर ऐसा हुआ कि हम जो आपके मैम हैं उनको लिंक भेजना भूल गए, क्योंकि हमारे लिंक में रिकॉर्डिंग करने होते हैं ना लेक्चर, तो इसलिए हम लिंक भेजना भूल गए। उन्होंने बहुत वेट किया और फिर वो हम लिंक भेजना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पहले लिंक भेजते हैं एक ही सेम रहती है वो, आप बस मैसेज कर दिया करें कि ज्वाइन कर लो। बच्चा लेकिन बात ये है ना कि लिंक ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग हम ही ऑन करेंगे ना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम ही ऑन करते हैं, तो हम आप लोगों में से कोई एक जिम्मेदारी ले लें, ताकि हमें याद दिला दिया करें आप लोगों में से कोई कि मैम मैसेज कर सकती हूँ, तो आप हमें मैसेज कर दिया करें कि मैम आज मंडे है, सो डोंट फॉरगेट तीरा लेक्चर। तो हम इंशाल्लाह फिर क्या करेंगे, फिर उस टाइम पर अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना हमारी बहुत सारी क्लासेस होती है ना, तो कभी हम ये भूल जाते हैं, कभी कुछ और भूल जाते हैं, तो ये मसला है। तो आप रिमाइंडर दे देंगे ना इंशाल्लाह, तो हम फिर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप हमें कम से कम है ना दो एक घंटे पहले या मॉर्निंग में भी अगर आप रिमाइंड करा दें, तो इंशाल्लाह फिर हम याद रखें। मैं क्लास से 5-10 मिनट पहले रिमाइंड करूँ? 5-10 पहले तो बच्चा हम क्लास में ही होते हैं ना, अपनी दूसरी क्लास में। अच्छा, तो मैं मैम 1 hour पहले, 3 o'clock के आसपास, 1 hour पहले, या ऐसे कि आप दोपहर में रिमाइंड करा दें। ठीक है, मेरी क्लास 2:10 पे खत्म होती है, मैं क्लास के बाद आपको मैसेज कर दूंगी। यू स्टे वेयर, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं इंडिया से हूँ, लेकिन अभी मैं सऊदी में हूँ। ओके, यू आर इन सऊदी। ओके, तो अच्छा, तो आप तो 2.5 hours पीछे होंगे फिर हमसे। ठीक है, तो ऐसा है
कि आप हमें ना जो आपके टाइम के मुताबिक जो अभी ये क्लास का टाइम है ना, आप उससे कम से कम 2-2.5 घंटे पहले हमें रिमाइंड करा दो। आप सबके लिए आसानी फरमाए और अल्लाह हमसे जो भूल चूक खता हुई हो अल्लाह उसको माफ फरमाए, और अल्लाह सुबहान तआला आप सबको अल्लाह सुबहान तआला दीन का दाई बनाए। अल्लाह आप सबको सबसे मोहब्बत करने वाला, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला बन जाए, और अल्लाह सुबहान तआला आप सबको अपने पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बना दे। ठीक है, हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ना। मैम मैं आपसे एक बात शेयर करूं? बिल्कुल करें। कहते हैं जब आप मेहमान आते हैं हम अच्छा बनते हैं, लेकिन ठीक है अब हमने अच्छा बना, एक आपका पूरा पहाड़ जितना बराबर नेकिया हो गई अगर आपने अच्छे से करा, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो अल्लाह ताला देखते हैं। अगर आप अकेले में जैसे काम नहीं कर रहे हो, मम्मा कह रही है काम करो लेकिन आप कर नहीं रहे, लेकिन गेस्ट हो तो आप कर लो, तो सारा पहाड़ 2 मिनट में डस्ट बन जाता है। बिल्कुल, तो ये वैसा हो गया ना, हम हिपोक्रेट हो गए ना, तो हम दिखावा कर रहे हैं यानी, है ना, माइनर शिर्क कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, माइनर शिर्क कर रहे हैं यानी हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे नेक हैं, सोले हैं, कि जब पेरेंट्स जब वो मेहमान चले जाते हैं तो हम दिखाते हैं कि भाई हम तो बहुत मतलब हम अपने पेरेंट्स की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम नाफरमानी नहीं करेंगे। ठीक है, अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स नाराज हो गए तो अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं, है ना। ठीक है, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि टाइम पे क्लास स्टार्ट हो और फिर इंशाल्लाह क्लास ले लिए। ठीक है, एक मिनट हम रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, फिर हम आप लोगों से एक बात करना चाह रहे हैं। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر وآيات الحكيم جزاكم الله خيرا كثيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين। हाँ जी।